राम राम का अर्थ है पुराने बुजुर्ग लोगों ने बहुत सोच समझ कर इस राम राम का नाम रखा है। और इसकी गणना जैसे र है तो हिंदी वर्णमाला में र अक्षर 27वें नंबर पर आता है, गगड़ा र तक इसका नंबर 27वें नंबर पर आता है। 27 नंबर आता है। र के आगे आ की मात्रा ये दो नंबर पर आता है, आ ये दो नंबर पर आता है। तो 27 और दो 29 पीछे रह गया म, म आता है वर्णमाला में 25 नंबर पर। 25 नंबर तो 25 और 29 54 54 दूनी 108 बार राम राम दो बार कह लो या 108 बार माला फेरो बराबर है। तो राम राम लोग बाग माला माला मिलती नहीं थी पुराने जमाने में, कौन फेरे कौन है वो सीधा सा राम राम बोले, राम राम दो बार कहना पड़ता था। 54 दूनी 108 तो माला की पूर्ति इस राम राम में हो जाती थी। इतना इसमें शक्ति है राम राम में, इसलिए ये राम राम करते हैं। अब जैसे आपका हाथ पड़ा है, अब दूर पड़ा है, अब आप मेरे से मिलाओ, कुछ करंट आया, एहसास हुआ ना, ये मेरी शक्ति और आपकी शक्ति दोनों को स्पर्श होने से ये होता है कि वो फिर हाथ मिला के राम राम करते थे। आपकी शक्ति मेरे में आती, मेरी शक्ति आप में चली जाती, तो वो संतुलन बराबर रहता था इंसान का। तो साहब हमें तो आज तक पता ही नहीं था राम राम क्यों बोलते हैं। ये राम राम इसलिए बोलते हैं। धन्यवाद आप बहुत बहुत साहब।